हालांकि शबनम के डेथ वारंट पर अभी तक साइन नहीं हुए हैं, लेकिन जेल में फांसी दिए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पवन जल्लाद भी शबनम को फांसी दिए जाने के लिए तैयार है। फांसी दिए जाने से पहले पवन शबनम से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन नियमों के चलते पवन और शबनम की निगाहें भी नहीं मिल पाएंगी। इससे पहले भी दोनों का आमना सामना नहीं हो सकता। इसी तरह निर्भया के दोषियों को फांसी हुई थी। पवन जल्लाद का कहना है कि इतनी निर्दयी औरत को मैं बहुत कुछ सुनाना और पूछना चाहता था, लेकिन मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ। मैं तो फांसी दिए जाने से पहले उसके सामने भी नहीं पड़ सकता। यहाँ तक कि जब फांसी दिए जाने के लिए दोषी को प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, तब भी हम दोनों की निगाहें नहीं मिलती। पवन ने बताया कि एक दो वाक्य ऐसे हुए जिसे फांसी दी जानी है, वो फांसी घर के इंतजाम और वहाँ खड़े पुलिस फोर्स और जल्लाद को देखकर घबरा जाता है, मचलने लगता है, फांसी से भागने लगता है। इसलिए अब दोषियों के चेहरे पर कोठरी से निकलने के साथ ही काला नकाब डाल दिया जाता है, जिससे वो ना तो जल्लाद को देख पाए और ना ही फांसी दिए जाने के इंतजाम हो। निर्भया के चारों दोषियों को भी फांसी घर में लाने से पहले उनके चेहरे पर नकाब डाल दिया गया था। फांसी दिए जाने से पहले जल्लाद दोषी के कान में माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद अगर मुजरिम हिंदू है तो उसे राम राम बोलता है और अगर मुस्लिम है तो उसे आखिरी दफ़ा सलाम कहता है। लेकिन पवन जल्लाद का कहना है ये सब झूठ है, मैं क्यों एक दोषी से माफ़ी मांगूं? एक लड़की का रेप करने वाले और अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करने वाली लड़की से मैं क्यों माफ़ी मांगने लगा? ये सब मनगढ़ंत बातें।